नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, HSSC की तरफ से बिग अपडेट्स हैं। 32,000 रिजल्ट ज्वाइनिंग की डिटेल है और 4 अन्य बिग अपडेट्स हैं जी। और CM की तरफ से HSSC की 60,000 भर्ती और HKRN की 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की भर्ती के रिलेटेड पूरी की पूरी अपडेट है। कोई भी स्किप ना करें क्योंकि स्किप करते हैं आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर चैनल पर आप पहले से जुड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो कि यूट्यूबर को मोटिवेट एनकरेज का काम करता है। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, HSSC की तरफ से हरियाणा के जो 1.20 लाख अभ्यर्थी हैं कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का मामला अभी सरकार की तरफ से नियुक्ति प्राधिकारी की अधिसूचना जारी होगी, ठीक है जी। तो हर उस कर्मचारी को अलग से जॉब की सिक्योरिटी का पत्र मिलेगा जो कानून के दायरे में कवर होंगे। जो जो भी कवर होंगे सभी को जॉब की सिक्योरिटी का एक पत्र मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल में, जॉब सिक्योरिटी 14 अगस्त से लागू हुआ और 15 अगस्त से नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 1.20 लाख अभ्यर्थी अस्थाई रूप से जो कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का 14 अगस्त को कानून लागू कर दिया है। यह कानून अध्यादेश के रूप में अधिसूचित किया गया है, मगर इस कानून का प्रभाव देने के लिए अभी सरकार की तरफ से अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि उपयुक्त प्राधिकारी की अधिसूचना जारी होनी बाकी है। नियुक्ति प्राधिकारी को ही अपने अपने विभाग या बोर्ड या निगम या वैधानिक संस्था में इस कानून के तहत उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे जो उसके दायरे में आएंगे। और इस पर दैनिक सवेरा का लगातार बिंदु लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस विषय में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि यह अध्यादेश 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हुआ है और जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि 15 अगस्त से मानी जाएगी। जब तक नियुक्ति प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं होती तब तक किसी भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र नहीं जारी हो पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है जी, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो जो कि नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि हम 1.20 लाख युवाओं की नौकरी के लिए एक कलम से सुरक्षित की है। क्या है वो बता देते हैं। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी का कहना है, कांग्रेस एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है। कल ही कांग्रेस चुनाव आयोग और हाईकोर्ट के पास गए जिसके बाद चुनाव आयोग ने भर्ती पर रोक लगा दी। यह इतना बड़ा पाप कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने किया है। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के 1.20 लाख युवाओं की नौकरी एक कलम से सुरक्षित कर दी, TGT की भर्ती भी की, दूसरी नौकरियां भी दी। लेकिन कांग्रेस में हुड्डा का भर्ती रोको गैंग काम करता है। हम भर्ती रोक करते हैं और भर्ती रोको गैंग हाईकोर्ट पहुंच जाता है। और हाल में युवाओं की भर्ती होनी थी लेकिन यही भर्ती रोको गैंग युवा चुनाव आयोग के पास पहुंच गया। चुनाव आयोग को भर्ती पर रोक लगानी पड़ी। यह इतना बड़ा पाप भर्ती रोको गैंग ने किया है। और कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके भर्ती रोको गैंग को युवाओं की बद्दुआएं लगेंगी। ये नायब सिंह सैनी जी का कहने का तात्पर्य है भी, हम तो कर रहे हैं ठीक है और हमने तो जॉब सिक्योरिटी दी है HKRN के माध्यम से की है, बट उसको भी परमानेंट करने जा रहे हैं। तो कानून उमा शंकर जी भी कह रहे हैं भी कानून 14 अगस्त से प्रभावी हो गया है। और दैनिक सूर्य के पूछने पर नायब सिंह सैनी जी के सचिव प्रधान सचिव उमा शंकर जी ने कहा है कि द हिंदी हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल अप्लाइंस सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेट्स 2024 धारा 1 और उपधारा 2 के अधिसूचना की तारीख 14 अगस्त 2024 से प्रभावी हो गया है। इस कानून की धारा 2 के आइटम ए और इसी के तहत ही जो दूसरा है
आइटम ए धारा 2 के तहत अनुसार नियुक्ति तिथि अपॉइंटिंग डेट 15/8/2024 है भी, हमने तो कर दिया है, बट इसमें जॉब सिक्योरिटी का पत्र तब तक नहीं मिल सकता जब तक जो कि उपायुक्त अधिकारी हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी नहीं मिल जाती। हमने तो अपनी तरफ से कदम उठा दिया है, बट वेरिफिकेशन जरूरी है ना, वो तो आपको भी पता है भी इनके ऊपर भी एक अधिकारी होते हैं, उनकी अथॉरिटी जरूरी है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अधिसूचना जारी होनी बाकी है, जब वो जारी होगी साथ ही साथ आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पत्र लिख दिया है, सिर्फ उस पर वेरिफिकेशन होनी और स्टैंप लगनी बाकी है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में जो जो कर्मचारी कच्चे हैं, स्थायी रूप से हैं, वो पक्के हो जाएंगे, उनको उसी डिपार्टमेंट से एक परमानेंट जॉब का सिक्योरिटी लेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। हरियाणा पशुपालन विभाग के VLDS सरकार से हुए नाराज क्यों हुए? आचार संहिता के दौरान अधिकारियों ने बदली VLDA कोर्स की शैक्षणिकता। तो इसमें क्या है, डिप्लोमा वेटरनिटी में ओ के उप प्रधान अरविंद भटलोटिया, महासचिव राजेश लोहान, मंजीत फोगाट व सचिन यादव ने बताया कि यह बदलाव अधिकारियों ने VLD कोर्स करवाने और प्राइवेट कॉलेजों में दबाव में लिया है। डिप्लोमा वेटरनिटी एसोसिएशन की 2021 वर्ष में तत्कालीन मुख्यमंत्री अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसमें एसोसिएशन के मुख्यमंत्री को निवेदन किया था कि VLD का जो पद है उसको तकनीकी पद है और उनका मुख्य कार्य पशु चिकित्सा से जुड़ा है, इसलिए VLD कोर्स की शैक्षणिक योग्यता केवल मेडिकल स्ट्रीम से होनी चाहिए। तो इसी में एसोसिएशन की मांग जायज मानते हुए कोर्स की शैक्षणिक योग्यता मेडिकल स्ट्रीम कर दी है सरकार ने, ठीक है जी। इसी को लेकर VLD के जो भी कर्मचारी हैं वो अभी नाराज हैं, क्योंकि है, बात भी सही है, जो पशु विभाग से तो उसको पशु विभाग की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी रिलेटेड पढ़ाई होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, ठीक है जी। MDU में प्रवेश के लिए 27 अगस्त तक और कर सकते हो। MDU यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो लास्ट डेट 27 अगस्त है जी। आपको बता दें 4 दिन और रह गए हैं, 23 अगस्त हो चुकी है, 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। NTA के बाद TGT आवेदन भी जाएंगे न्यायालय में, जो कि NTA पहले तो वो NTA पर बहुत आरोप लगे हैं, BJP पेपर लीक हो जाते हैं या गलत चेक करते हैं, वो तो आपको पता ही, मसला गरमाया हुआ है। अब इसके बाद NTT के बाद TGT आगे आवेदन जो भी हैं वो भी न्यायालय में जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है जी नेक्स्ट अपडेट की, HCM पेपर लीक में हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार बलविंदर व उनकी महिला मित्र को 5 साल की कैद, ठीक है। क्यों हुआ है यहाँ पर, हरियाणा में 9 साल पहले 109 जजों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के लिए पेपर लीक करने के मामले में सेंट्रल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट जो पर थे डॉक्टर बलविंदर कुमार शर्मा और उनकी महिला मित्र सुनीता को दोषी करार देते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई है। और शर्मा पंजाब कैडर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश थे और हाई कोर्ट में 2014 में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात हुए थे। यह मामला सामने आने के बाद डॉक्टर शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि 109 जजों की भर्ती हुई थी उसमें इनको दोषी पाया गया, इसलिए इनको बर्खास्त करके 5 साल की कैद का ऑर्डर दिया गया है सरकार की तरफ से, ठीक है जी। ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर की, उम्मीद करते हैं ये अपडेट बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की अगर और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।